कोई भी व्यक्ति पहली बार से ही बहुत अच्छा नहीं बोल रहा है ना। मोदी जी फर्स्ट डे से प्रधानमंत्री नहीं बन गए, धीरे 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 वो अच्छे नेता बने, नेता बनने के बाद में जो है वो प्रधानमंत्री भी बन गए। हमारा राइट और रॉन्ग? तो इसी तरीके से आप भी धीरे धीरे कोशिश करते जाएंगे, धीरे धीरे क्या पता आप भी प्रधानमंत्री बन जाए। अब जैसे मैं आपको बोलूँगा मैं कलेक्टर बन जाऊँ, आप में से कोई कलेक्टर बन सकता है? तो आप बहुत सारे मैं कलेक्टर क्यों भाई? क्या कलेक्टर जो बनता है वो क्या स्कूल नहीं गया कभी क्या है? उसके क्या दो से उसके चार पांव होते हैं क्या? दुनिया में जो भी लोग बने हैं ना वो सब सबके दो पांव ही हैं, सब आपके जैसे ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं है। इनफैक्ट कभी कभार जो व्यक्ति मतलब कहे कि जिसको कुछ फिजिकल या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो भी आगे बहुत कुछ बन जाता है। आपने एक माइकल फिलिप्स है ना, माइकल माइकल फिलिप्स को शायद नाम है, दुनिया का सबसे बड़ा तैराक है वो, मतलब जो है किसी मतलब जैसे बहुत सारे देशों ने, हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे देशों ने पूरे देश ने मिलकर के जितने मतलब ओलंपिक नहीं जीते हो गए उतने उसे अकेले ने जीत रखे। जहाँ तक मेरा ख्याल है लगभग 25 ओलंपिक एक व्यक्ति ने जीत रखे, जबकि शुरुआत में उसको कुछ कोई मुझे नहीं पता कौन सी बीमारी थी, लेकिन उसको कोई बीमारी थी और उस बीमारी थी लेकिन हाँ बीमारी ये थी कि उसको पानी से डर लगता था। क्या बीमारी थी? पानी से ही डर लगता था। और वही व्यक्ति आज दुनिया का सबसे बड़ा तैराक बन गया। क्या बन गया? दुनिया का सबसे बड़ा तैराक, स्विमर, स्विम करने वाला। और उसने कितने ओलंपिक जीते हैं? लगभग 23 तो मैंने देख रखा था, मेरे साथ 25 हो गए। आप लोग देखना माइकल फिलिप्स है ना, हाँ ऐसे कुछ नाम है माइकल फिलिप्स, एक बार आप नेट पर सर्च करना तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। अरे सचिन ही देख लो है ना, बोले अच्छा हाँ तगड़ा आदमी होना चाहिए, मोटा ताजा तो खूब ढंग से बैट चलाएगा। अब देखा है तो सचिन की कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, फिर भी जो है सचिन बन गया, क्रिकेट का महानतम खिलाड़ी, इतना महान खिलाड़ी कि पूरा वर्ल्ड उसको हमेशा याद रखेगा क्रिकेट की दुनिया में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, एक दो की तो बात ही नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। अमिताभ बच्चन जो है बोले इतना बोले कि स्मार्ट नहीं था वो, मतलब शुरुआत में तो बोले क्या हीरो बनने के लायक नहीं, बोले देखो हमारे देश का सबसे मतलब बहुत लंबे समय से बने रहने वाले सुपर स्टार है वो, अब तो दादाजी बन गए हैं फिर भी वो आज भी सुपर स्टार है कि नहीं है? तो ये कौन है? आप में से कोई अमिताभ बच्चन बैठा हुआ है? आप में से कोई करीना कपूर बैठी हुई है? नहीं, ये एग्जांपल सही नहीं था। आप में से कोई जो है द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है? आप में से कोई जो है कोई और क्या बैठा हुआ है? और कौन कौन दो चार महान लोगों के नाम बताओ, है ना, धोनी बैठा हुआ। आप में से कोई माइकल क्लार्क बैठा हुआ है? आप में से कोई बिल गेट्स बैठा होगा, है ना? आप में से कोई मार्क जुकरबर्ग बैठा होगा, है ना? तो आप में से ही ये कोई है, कोई बड़ा कोई अलग से कोई आदमी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको अपनी सोच अपने विचार जो है बहुत उम्दा रखना पड़ेंगे, और आपके सोच और विचार जब उम्दा होंगे, जब आप डिसिप्लिन वे में काम करेंगे, ऑटोमेटिक आपको सक्सेस मिलती जाएगी, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमारा देश बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, आपको मालूम होगी हमारा देश जो है फ्रांस को पीछे छोड़ करके, ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुका है। ब्रिटेन जैसा देश जिस जिन्होंने हमारे देश पर राज किया, हम उनके गुलाम रहे, वो देश आज हमसे पीछे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, उनकी जनसंख्या भी कम है। जैसे आज हम बात करें चाइना की, क्योंकि ये चाइना और हमारी पॉपुलेशन लगभग बराबर है ना। अभी हम वैसे यूएनओ के हिसाब से तो नंबर वन पे आ गए हैं, पर लेकिन हम लगभग हम बराबर है, लेकिन वो बराबर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सोचने की बात यह है कि चाइना के पास हमसे तीन गुना ज़्यादा ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? हमसे तीन गुना ज़्यादा ज़मीन है। तो यहाँ एक व्यक्ति के पास एक बीघा है तो वहाँ तीन बीघा ज़मीन है, राइट है कि नहीं? तो हिसाब से तो उनको समस्या ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ समस्या ज़्यादा है। पॉपुलेशन अपना आप में या अपने देश में समस्या है,
पर लेकिन समस्या को लेकर के कभी कभी भी रोना नहीं चाहिए। वो समस्या अपनी हो, समस्या समाज की हो या देश की हो, समस्या को लेकर के रोने से कुछ नहीं होता है, समस्या का समाधान करने से कुछ होता है। हम मैं तो कमज़ोर हूँ क्लास में, मैं तो सबसे पीछे हूँ, मेरा तो क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ही, मैं तो कुछ भी नहीं आता है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ये जो अंदर मन में दुखी दुखी इंसान जो बैठा हुआ है ना, इसको बोलो कि तू साइड से बैठ जा भैया, तू साइड से रह, तू नेगेटिव है। मैं पीछे हूँ लेकिन ज़िंदगी भर पीछे थोड़ी रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा, धीरे धीरे चीज़ें आती जाएगी। कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं जो सीखी नहीं जा सकती है। जैसा उसने सीखा ऐसा मैं भी सीख लूँगा। मैं आज से कमज़ोर था, आज के बाद नहीं हूँ। जिस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं कमज़ोर आज से नहीं हूँ, मतलब उस दिन से नहीं हूँ, जिस दिन से मैंने सोच लिया कि मेरा वचन ही है शासन, उस दिन से अपना शासन शुरू अपने आप पे, राइट है कि नहीं? बिल्कुल। तो आप जो है अपना खुद का शासन स्थापित करो अपने आप पर।